ايوه हेलो दोस्तों, मुक्ते रहते हैं। कहीं सर्प अपने दायरे के अंदर घूमते हैं तो कहीं तितलियां अपने दायरे के अंदर ही रहती हैं। किसी को भी अपने दायरे के बाहर आने का अनुमति नहीं है, हर लोग फॉलो करते हैं। देखिए आप लोगों के सामने कैसे तितलियां फूलों पर अटखेलियां कर रही हैं, फूलों का रस चूस रही हैं। यह दृश्य अपने आप में मनमोहक होता है। जरा कल्पना कीजिए कि आप लान में बैठे हुए हैं, फूल पौधे लगे हैं, फूल खिले हुए हैं, उस पर तितलियाँ भौरे घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। आप कितना आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं, और तितलियाँ और भौरे भी बहुत ज़्यादा परिपूर्ण होते हैं, क्योंकि उन लोगों को अपना खुराक भी मिलता है, घूमने टहलने और रहने का जगह भी मिल जाता है। आमतौर पर तितलियाँ लोगों के नज़दीक आते ही भाग जाती हैं, उड़ जाती हैं। लेकिन देखिए कितना ये फेमिलियर हो चुकी है, बिल्कुल नहीं उड़ेगी। जब इच्छा होगी तब उड़ेगी, घूमेगी, टहलेगी। किसी भी आहट से, किसी भी मनुष्य से ये अपने को असहज महसूस नहीं करती है और अपने कार्य को जारी रखती है। देखिए इस तितली को बिल्कुल नज़दीक से इसका फोटो शूट किया गया है, लेकिन फिर भी ये नहीं हट रही है, अपना मस्ती कर रही है इस पौधे पर, कभी इस फूल पर, कभी उस फूल पर, कभी इस डाल पर, कभी उस डाल पर। क्या मनमोहक और प्राकृतिक दृश्य है दोस्तों। आजकल नया नया फैशन एक चल गया है सुबह सुबह टहलने का। लोग बेड से उठेंगे नहीं, सोए रहेंगे, हर काम मजदूर करेंगे, नौकर करेंगे, लेकिन सुबह टहलेंगे जरूर। मैंने इस विधि को नहीं अपनाया दोस्तों। जो सुंदर दृश्य देख रहे हैं, इस सब के पीछे एक ही रहस्य है कि मैं टहलने की जगह सुबह उठता हूँ, फ्रेश होने से पहले इन पौधों पर ध्यान देता हूँ, इनसे बातें करता हूँ, इनको देखता है इनमें कमियाँ कहाँ है, किस में पानी की कमी है, किस में कोई रोग लग रहा है, किस में क्या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ये सारे कुछ मैं सुबह फ्रेश होने से पहले ही कर लेता हूँ, इसलिए जो टहलने का कोटा होता है वो मेरा पूरा हो जाता है। और साथ साथ हरा भरा पौधा जो आप लोगों के सामने दिख ही रहा है, इसलिए मैंने कभी भी सुबह सुबह एक्सरसाइज करने और टहलने के ट्रेंड को नहीं अपनाया, और सीधा सीधा अपने पौधों को संवारने में, उसको निहारने में अपना सारा वक्त लगा देता हूँ सुबह का। इससे मुझे खुद ही बहुत ही ज़्यादा ताजगी महसूस होती है तथा पौधों का भी कल्याण हो जाता है, साथ साथ ऑक्सीजन का लेवल भी हमारे घर में हमेशा बना रहता है। देखिए गोभी, घर की बिना खाद पानी की गोभी, इससे फायदा यह रहता है कि जब आपको आवश्यकता हो तुरंत 2 मिनट पहले गोभी निकालिए और सब्जी बनाइए और खा लीजिए। देखिए मीठी बीन्स, जब चाहें तब आप बीन्स को तोड़िए और बनाइए, दुकान के 4 दिन का पुराना सब्जी नहीं खाना पड़ेगा। एक बात और, यदि आप तुरंत सब्जी तोड़ करके या निकाल करके यदि आप बनाते हैं तो उसका स्वाद 10 गुना अच्छा होता है। ये देखिए एक दूसरे प्रकार की बीन्स, इसकी भी सब्जी बड़ी अच्छी होती है, इसको दाल में उपयोग किया जाता है। अब देखिए सामने आप लोगों के तुरई है, इससे जब चाहे तब हम लोग तुरई निकाल लेते हैं और सब्जी बनाते हैं। ये देखिए हरा भरा बैंगन, देखिए नीचे नीला फरा हुआ बैंगन है, इसका फल है जो जब चाहे तब तोड़ करके आप बना सकते हैं। इसके ताज़े बैंगन का या ताज़ी सब्जियों का स्वाद का महत्व ही कुछ और होता है। ये देखिए करेला, जब चाहिए तब आप करेला का भुजिया बनाइए और खाइए। ये देखिए लौकी, कहने का तात्पर्य है कि किचन गार्डन का तात्पर्य ही यह होता है कि आपके किचन के अंदर ही आपका गार्डन हो, मतलब किचन के एकदम जस्ट सटा हुआ, जब चाहे तब जो सब्जी चाहे वो सब्जी तोड़े और बना डालें। ये देखिए मटर, ये मटर कुछ दिनों में तैयार होने वाली है, जैसे ही तैयार होगी ये हमारे किचन गार्डन की शोभा और स्वाद दोनों में इजाफा कर देगी। जब भी लोग बाहर से आते हैं और मटर का एक छेमी भी तोड़कर खाते हैं तो कहते हैं कि वाह क्या स्वाद है, ताज़ा मटर का आनंद और स्वाद ही कुछ और होता है। जहाँ एक तरफ सब्जियाँ आपके किचन के स्वाद को बढ़ाती हैं तो दूसरी तरफ ये फूल आपके मकान को सुंदर बनाता है, पेड़ पौधे एवं चिड़ियों को आने के लिए आमंत्रित करता है। तमाम चिड़ियाँ सुबह आ जाती हैं, तमाम भावने और तितलियाँ यहाँ पर कलरव करने के लिए आ जाते हैं। देखिए अब आगे आपको दिखाते हैं, ये है धनिया पत्ता, देखिए कितना हरा भरा है। जब चाहे तब थोड़ा सा धनिया तोड़िए और दाल या सब्जी में डाल दीजिए। देखिए टमाटर, देखिए मूली, मूली बिल्कुल तैयार है, हम लोग रोज़ यूज करते। देखिए टमाटर,
बिल्कुल हरा। देखिए इसका फल भी देखिए देखिए, शिमला मिर्च जो हमारे किचन के स्वाद को बढ़ाता है, साथ साथ घर के सुंदरता को भी चार चांद लगाता है। देखिए टमाटर बिल्कुल अपना विकास की तरफ अग्रसर है। देखिए शिमला मिर्च, छोटे छोटे फल आ गए हैं, अब तैयार होने के पोजीशन में है। टमाटर के बीज ध्यान से देखिए कितना फर गया है, बिल्कुल गुच्छे का गुच्छा। जहाँ देखेंगे तहाँ 50 टमाटर फर करके जमीन से सट गया है। ये देखिए देसी टमाटर, जो पिछला टमाटर देखे थे अब डंकल वाला था, लेकिन ये देसी टमाटर है। ये देखिए तुलसी माता घर के पूर्व उत्तर के कोण में, देखिए ये सर्पों के लिए आरक्षित है। देखिए यहाँ पर सांप देवता अर्थात नाग देवता रहते हैं, ये उनका जगह है, ये घूमते टहलते रहते हैं, इनको कोई अब मारता मैं नहीं मकान है। के छत से आपके नीचे का दिखा रहा हूँ, पोजीशन क्या है मकान से छत से, घर का एलिवेशन, इंजीनियरिंग की भाषा में एलिवेशन कहते हैं, इसका क्या पोजीशन है, देखिए कैसे दिख रहा है, बहुत ही मनमोहक। बीच में कैंपस है बैठने के लिए, जहाँ पर आप कुर्सी लगाकर बैठ सकते हैं। यहाँ पर बैडमिंटन भी हम लोग समय समय पर खेलते रहते हैं। ये देखिए छत पर सोलर पैनल लगा हुआ है, हम लोग अपनी ऊर्जा की जरूरतें सोलर पैनल से पूरा कर लेते हैं, हम लोग को कभी भी बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये देखिए सब्जी, और सब्जी मकान के जस्ट पीछे बाजार, सब्जी का बाजार, जहाँ पर ताजे ताजे सब्जी सब्जियाँ बिकती हैं। देख लीजिए एकदम बस बाउंड्री से सटा हुआ बाजार है, जहाँ से लोग क्षेत्र के लोग सब्जी खरीद कर जाते अब हैं। मैं अपने घर के अंदर एंट्री कर रहा हूँ। देखिए ये फर्स्ट हॉल है जिसमें हम लोगों को बैठने के लिए व्यवस्था है। ये देखिए बेडरूम है, बेडरूम में पलंग लगाए हुए हैं, कई रंगों में एक एक दीवार रंगी गई है, आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। यूजुअली हम लोग इस पर यूज तो नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि हम लोग आगे के रूम में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी पलंग पड़ी हुई है। ये ड्रेसिंग है। अब मैं पूजा घर में ले चलता हूँ, जहाँ हम लोग भगवान को विराजमान किए हुए हैं। देखिए ये हम लोग का पूजा घर है, बिल्कुल सजाया गया है, बालाजी हैं, गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, आदि सभी देवता अपने सिंहासन में विराजमान हैं। ये देखिए कान्हा जी झूला झूल रहे हैं। अब हम लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा यूज होता है, मतलब इस हाल में हम लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं, कोई आता भी है तो यहीं बैठते हैं। देखिए वाटर फिल्टर लगा हुआ है, क्योंकि आरो का पानी हम लोग नहीं पीते हैं, आरो का पानी ज़्यादा नुकसानदायक होता है फिल्टर के अपेक्षा। ये बेड लगा हुआ है जहाँ पर हम लोग आराम से बैठ सकते हैं, यहीं पर हम लोगों का सबसे ज़्यादा समय व्यतीत होता है, क्योंकि यहीं पर टीवी है, यहीं पर हम लोग बैठते हैं, और यहीं पर जो लोग भी आते हैं बैठते उठते बात करते हैं, परिवार के सारे सदस्य भी यहीं पर बैठते हैं। तो दोस्तों मैं ले चलता हूँ आप लोगों को अपने किचन में। तो दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ अपने किचन में, देखिए कैसे बर्तन स्टैंड पर बर्तन रखा गया है, सब कुछ किचन के रैक पर भी स्टैंड एक एक लगा दिया गया है, ताकि छोटे छोटे बर्तन इस पर रखा जा मतलब सके। प्लेटफार्म बनाने से नुकसान ये होता है कि आप कोई भी सामान रखिए तो दूसरा सामान रखने में काफ़ी असुविधा होती है, क्योंकि चौड़ा प्लेटफार्म इसलिए बनाया जा सकता है कि एक चीज़ यदि आप दीवार साइड में लगा कर रख देते हैं, तो उसके आगे भी आप गिलास, पानी, थाली, कटोरी अगर आदि रख सकते हैं। ये रहा सिंक जिसमें बर्तन वगैरह धोते हैं हम लोग, ये रहा गैस का चूल्हा। देखिए चौड़ा प्लेटफार्म होने के कारण गैस का चूल्हा ये दीवार से सटा हुआ, तो आगे भी आप कुछ रख सकते हैं। ये देखिए खाना बनकर तैयार है खाने के लिए, बिल्कुल आप जब भी चाहे चटपटा ये खाना खा सकते हैं, बिल्कुल सादा है, स्वास्थ्यवर्धक है एवं लाजवाब है। फ्रीज आदि आपके सामने दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा नाम नहीं लूँगा क्योंकि आप लोग बोर हो जाएंगे। अब मैं आप लोगों को ले आता हूँ अपने घर के बाहरी सिरे पर, रोड साइड में, जो नेशनल हाईवे पर स्थित है। देखिए ये दीपक से कैसे टिमटिमा रहा है, ये ज़मीन के नीचे का तल है, ये जनरेटर रूम है, और जनरेटर रूम के आगे जो दीपक जलाया गया है बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये सीढ़ियाँ है ऊपर जाने के लिए जो रोड साइड में जाता है। ये देखिए टावर लगा हुआ है, ये टेलीफोन के टावर हैं जो कि विभिन्न कंपनियों के हैं, जियो के हैं, एयरटेल के हैं तथा BSNL के। ये देखिए ये सामने का साइड है मेन रोड पर नेशनल हाईवे। ये देखिए बैंक है, बैंक की ये बिल्डिंग है, ये बैंक का चैनल गेट है, और ये देखिए आगे सजाया गया है बिल्कुल जगमगाता हुआ मकान, जो कि बड़े ही मनोरम लगता है रात में देखने पर। बैंक के चैनल गेट के दोनों तरफ दुकानें हैं, जो कपड़े के हैं, साइबर कैफे हैं, ऑनलाइन है, CSC आदि सारी दुकानें हैं, जो दिन भर अपने सेवा में, जनता की सेवा में लगी रहती हैं।
तथा लोगों को रोजगार का अवसर भी मिलता है। इससे 10 परिवार जिंदा रहता है। मुझे सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि मेरे मकान में कम से कम 20 परिवार जीता है। ये मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। उनके परिवार, उनके बच्चे पढ़ते हैं, फीस जमा करते हैं। ये देखिए रास्ता है, ये मेन गेट से कैंपस में एंट्री करने का मेन रास्ता जो कि अंडरग्राउंड तक आता है, जहाँ पर आप लोग सब्जी आदि, फूल फल सब कुछ देख रहे थे, यही मेन रास्ता है। इसी से होकर आप लोग अंदर आ सकते हैं या मैं भी अंदर आता जाता हूँ, चाहे सारे परिवार के चारे मेहमान इसी रास्ते से आते जाते हैं। देखिए कैसे जगमगा रहा है, कितना सुंदर और मनोरम दृश्य है। अब सोचिए कि यदि आप लोगों के पास ऐसा मकान होता तो आप लोग कितना आनंदित होते। इस मकान का एक और विशेषता है, सरकार आज जोर लगा रही है कि वाटर हार्वेस्टिंग लागू करिए, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चालू करिए। इस मकान में सन 2007 में ही वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चालू हो गया था। इस तरह से देखिए तो बिल्कुल आत्मनिर्भर है ये मकान। न किसी गवर्नमेंट की सहायता की ज़रूरत है, न कहीं पानी की निकासी की ज़रूरत है, न ही बिजली की ज़रूरत है। बिजली में भी हम सोलर पैनल से आत्मनिर्भर हैं, तो पानी की निकासी में वाटर हार्वेस्टिंग का ही उपयोग करते हैं। इसलिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सरकार से कोई सहायता लेने की ज़रूरत नहीं होती है। समय समय पर इसको सजाया जाता है, कभी भगवान श्री कृष्ण का रंगोली बनाया जाता है तो कभी घर को सजाया जाता है। आजकल देखिए घर को सजाया गया है, भगवान कृष्ण की रंगोली कितना मनमोहक है। मेरे मकान के सामने एक हाई स्कूल है तथा दो दो बैंक है। एक मेरे मकान में बैंक है तथा तीन तीन टावर लगे हुए हैं, तो कभी कभी हम लोग झालर से पौधों को सजा देते हैं। तो देखिए नागराज कैसे मेंढक का पीछा कर रहे हैं अपने शिकार में लगे हुए।